हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड शेयर के बारे में, मीन्स जेपी पावर शेयर के बारे में। रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आया है फ्रेंड्स। आज -6.25 का नेगेटिव रिटर्न दिया है, बट इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो रिजल्ट आया है जून क्वार्टर का, इसके बाद ये शेयर आपको 10 रुपीज़ क्रॉस करता आराम से दिखने वाला है। सो फ्रेंड्स, मार्केट कैप है 5,345 करोड़ का। फंडामेंटल्स की बात करें तो सब पॉजिटिव हुई, आरओसी सब पॉजिटिव है। पावर सेक्टर का अभी एक पैनी स्टॉक है, बट फ्यूचर जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। बाइंग में प्रेशर देखिए, 12 लाख समथिंग क्वांटिटी बाइंग में लगी है एंड 82,71,000 क्वांटिटी सेल में लगी है, इसलिए इतना ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न है। बट आपको इससे पैनिक नहीं होना फ्रेंड्स। लास्ट अनाउंसमेंट 10th ऑगस्ट की आई थी न्यूज़पेपर पब्लिकेशन से रिगार्डिंग, तो जो रिजल्ट आया था वो ही रिजल्ट इन्होंने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया है। तो आप रिजल्ट देखिए, नेट प्रॉफिट आया है 241 करोड़ का, जो मार्च क्वार्टर में एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। जस्ट माइनस टू करोड़ का लॉस था इनका, और आप प्रॉफिट देखिए तो फ्रेंड यहाँ से तो ये शेयर आपको जैसा रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग तो आपको ये 10-15 के बीच में जाता आराम से दिखने वाला है। प्रोमोटर होल्डिंग है 24% की एंड बाकी लेफ्ट पब्लिक की होल्डिंग है। सो अब आपकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है और नेक्स्ट टारगेट्स क्या इसमें देखने को मिलेंगे, वो डेफिनेटली वीडियो के एंड में ज़रूर प्रोवाइड करूंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। रिजल्ट लास्ट क्वार्टर एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन, दोनों कंपैरिजन आउटस्टैंडिंग आया है। तो फ्रेंड्स, अभी जो चल रहा है 7.80 प्राइस, तो आप इसको कंसिडर करिए। नेक्स्ट टारगेट 7.90 का एंड लोअर साइड 7.70 का, लेकिन 7.90 जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो 7.90 टारगेट हम नेक्स्ट लेके चलेंगे, बट लॉन्ग टर्म में, अब इन शॉर्ट टर्म ये 10 रुपीज़ क्रॉस करता आपको दिखने वाला है। जस्ट होल्ड कीजिए इसे, क्योंकि रिजल्ट एक काफ़ी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। एंड फ्रेंड्स, वैसे भी गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है पावर सेक्टर्स के सारे शेयर्स को। थैंक यू सो मच।